हास्ता ला वीस्ता, कैसे हो मेरे बादाम पेस्ता। मैं हूँ मन बुद्धि मालक। और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ज़ॉम्बीज कितने खतरनाक होते हैं ये तो हम सबने फिल्म में देखा ही है, और ना सिर्फ फिल्म बल्कि कई सारे गेम्स में भी हमने ज़ॉम्बीज का जिक्र देखा है, जिनमें पबजी भी शामिल है। ज़ॉम्बीज के फैंस करोड़ों की मात्रा में हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो तो चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताना। तो जस्ट इमेजिन, किसी बायोकेमिकल पर रिसर्च करते हुए एक लैब में ऐसा वायरस बन गया जिससे लोग रियल लाइफ ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। और एज ऑलवेज बाकी सभी ज़ॉम्बी मूवी की तरह ये वायरस भी लैब के बाहर आ गया और लोगों में फैलना शुरू हो गया। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमने ऑलरेडी कई फिल्मों में देखा है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कैसे फैलता है, क्या रियल लाइफ सिनेरियो में भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक ऐसे ही फैलेगा? इसके बावजूद कि कोई ऐसा वायरस स्प्रेड होना शुरू हो जाए, ऐसे क्या रीजन है जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एक रियल लाइफ दुनिया में होना लगभग नामुमकिन है? ये ज़ॉम्बी अगर एग्जिस्ट करते तो हमारे इतनी बड़ी दुनिया में किस जगह पर पाए जाते, और क्या होगा अगर ज़ॉम्बी सच में होते? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि बालक। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ज़ॉम्बी ह्यूमंस को काट करके इन्फेक्ट करते हैं, और क्या आपको पता है कि एक्चुअली में ये सबसे ज्यादा स्लो मीडियम है किसी वायरस के फैलने का, क्योंकि उन्हें लोगों को काटने के लिए एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली चल कर जाना पड़ता है। और इसके साथ जैसा कि हम कई मूवीज के अकॉर्डिंग जानते हैं कि ज़ॉम्बीज वाकई में धीरे धीरे चलते हैं, और तो और उनके शेर और बड़े जानवर जैसे नुकीले दांत भी नहीं होते हैं। तो अगर आप कोई मोटा कपड़ा या जैकेट पहन लोगे तो ज़ॉम्बीज की आपको काटने के बाद इन्फेक्ट करने की क्षमता और कम हो जाएगी। कई मूवीज में तो हमने ऐसा भी देखा है कि ज़ॉम्बीज कब्र से जिंदा होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो ये ज़ॉम्बी बनने की प्रक्रिया और स्लो हो जाएगी, और हिंदुइज्म रिलीजन के अकॉर्डिंग तो ज़ॉम्बी की बॉडी जला दी जाएगी। सो नो बॉडी मींस नो ज़ॉम्बी। और तो और अगर ज़ॉम्बी सच में होते हैं तो वो डेफिनेटली सूरज और गर्मियों में नहीं आ पाते, और वो वायरस या बीमारी जो उन्हें ज़ॉम्बी बनाती है कभी भी अफ्रीका जैसे दुनिया के गर्म हिस्सों में नहीं फैलती। लेट मी एक्सप्लेन, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं गर्मियों में ठंड के मुकाबले बैक्टीरिया, फंगस या ऐसी कोई भी पैरासाइट ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं, और स्पेशली बैक्टीरिया ऐसे कोई भी बॉडी को अपना घर बना लेता है जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं होती है। एज वी ऑल नो, ज़ॉम्बी आर नथिंग बट डेड बॉडी जो कि चल फिर सकते हैं, तो उनमें इम्यूनिटी तो होती ही नहीं। सो इससे पहले कि वो किसी को इन्फेक्ट कर पाए, बैक्टीरिया और पैरासाइट उन्हें खाने लगेंगे। लास्ट टाइम मैंने जो ज़ॉम्बीज की मूवी देखी थी उसमें ज़ॉम्बी के पेट में बैक्टीरिया के थ्रू बने गैसेस से वो फूल गए थे। इस सिनेरियो में उन ज़ॉम्बीज की बॉडी और ज़्यादा फूलेगी और एक्सप्लोड हो जाएगी। ऑब्वियसली ये एक्सप्लोडिंग ज़ॉम्बी को आप नहीं देखना चाहोगे, सो बेहतर होगा कि आप किसी रेगिस्तान और गर्म जगह पर चले जाओ। वैसे आइलैंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के होने की सबसे ज्यादा संभावना नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में होगी। मेरा मतलब है कि ठंड के मौसम में ये ज्यादातर हो सकते हैं। इवन आफ्टर दैट ज़ॉम्बी जैसा कोई सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा कोल्ड जगहों में भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। वी आर ह्यूमंस और हम जानते हैं कि खुद को ठंड से बचाने के लिए मोटे कपड़े पहनने होंगे, लेकिन ज़ॉम्बीज आर डम्ब, इवन ज़ॉम्बीज तो मरे हुए होते हैं। सो ज्यादा ठंड की वजह से उनका ब्रेन जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प करता है वो भी फ्रीज हो जाएगा। क्या आपने नोटिस करा है कि जितनी भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से रिलेटेड मूवी बनी है ज्यादातर में ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ने तक मिलिट्री खत्म हो चुकी होती है, और इसमें मिलिट्री का कोई इंटरप्शन नहीं होता है। और तो और इन फिल्मों में या सीरीज में इस बात की कोई चर्चा नहीं होती कि हाउ आर्मी पर्सनल डिडंट इंटरवीन इन दीज सिचुएशंस। रियल लाइफ में अगर इन एनी चांस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है तो इससे पहले कि ये ज़ॉम्बी बनाने वाली बीमारी हजारों में फैले, मिलिट्री इस पर एक्शन लेगी। आफ्टर ऑल इतने सारे बॉम्ब्स और हथियार हमने बनाए हैं, क्या ये सिर्फ दिवाली के वक्त काम आएंगे? सोचो जब हमारी आर्मी हजारों गोली बंदूक से तैनात दूसरे देश की सेना को मार गिरा सकती है, तो ये डम्ब ब्रेनलेस ज़ॉम्बी का सामना करना कौन सी बड़ी बात है? ज़ॉम्बी गन्स नहीं यूज कर सकते, इन्हें अच्छे से दौड़ना नहीं आता है, और इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इन पर हमला हो रहा है। जब भी कोई बीमारी फैलती है या महामारी होती है तो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती है, बॉर्डर क्रॉस करने पर रोक लगा दी जाती है, पूरे देश में लॉकडाउन हो जाता है, और पूरी दुनिया इसको काफी गंभीरता से लेती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। सो अगर ज़ॉम्बी सच में होते तो भी वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होते, और कुछ दिनों में ही हमारी सेना उनको मार गिराती। खैर कभी सोचा है क्या होता है जब हम मरते हैं? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे, तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।